सब्सक्राइब कीजिए धे आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। धे आईएएस के इनफोकस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे इनफोकस कार्यक्रम का विषय है खेल विश्वविद्यालय। आइए सबसे पहले जानते हैं कि विषय सुर्खियों में क्यों है। हाल ही में दिल्ली में खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने संबंधी विधेयक को मंजूरी दी गई। इस कदम का उद्देश्य खेल में शिक्षा प्रदान कर छात्रों के करियर को मजबूत करना है। आइए अब जानते हैं खेल विश्वविद्यालय विधेयक क्या है। दरअसल इस विधेयक के जरिए खेल विश्वविद्यालय खेल स्कूलों और कॉलेजों की स्थापना कर सकते हैं। छात्रों को अलग अलग खेलों जैसे क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी में ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और डॉक्टरेट की डिग्री प्रदान की जाएगी। इस विधेयक में दिल्ली खेल विश्वविद्यालय को एक राजकीय विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित करने का प्रस्ताव है। आपको बता दें कि CBSE से संबद्ध दिल्ली स्पोर्ट्स स्कूल होगा जो खेल में छात्रों का करियर बनाने के लिए खेल शिक्षा प्रदान करने पर जोर देगा। आइए अब जानते हैं खेल विश्वविद्यालय विधेयक की संरचना के बारे में। खेल विश्वविद्यालय विधेयक को राज्य विश्वविद्यालय के तौर पर बनाया जाएगा। इस विश्वविद्यालय में देश के नामचीन खिलाड़ी वाइस चांसलर के तौर पर नियुक्त होंगे जबकि उपराज्यपाल इसके पदेन चांसलर होंगे। इसके अलावा छात्र ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के साथ ही यहां शोध कार्य भी कर सकेंगे। साथ ही संबंधित खेलों को बढ़ावा देने के लिए विशिष्ट खेल प्रभाग बनाए जाएंगे। इसके अलावा कोचिंग से लेकर दूसरी अत्याधुनिक तकनीक से लैस होगा। आइए अब जानते हैं खेल विश्वविद्यालय को लेकर इससे पहले के प्रयास के बारे में। इससे पहले खेल शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए संबंधित विधेयक को संसद के दोनों सदनों में पारित किया गया था। इस विधेयक को राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय अध्यादेश 2018 की जगह पर लाया गया था जो 31 मई 2018 से प्रभावी हो चुका है। इस विधेयक में मणिपुर में एक राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रावधान था। मौजूदा वक्त में मणिपुर राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त है।